हाँ ला नर्स एक्सरसाइज 4C रो क्वेश्चन नंबर 4 रो 18th बिट देखिए राइट नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व करिया पे आपन को सिंपल फार्मूला तीनटा दरकार पड़े जे cos 3x रो फार्मूला cos 2x रो फार्मूला एंड sin 3x रो फार्मूला जो आपन को ऑलरेडी स्लाइड्स दिया है सर जी राइट तो सिंपल मो फार्मूला देखन जखन जे cos 3x = 4 cos qx - 3 cos x ठीक अच्छे cos 2x रो फार्मूला लगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 3x रो फार्मूला आमर जो यूज हो सेटा होची 3 sin x माइनस 4 sin qx राइट ये तीनटा फार्मूला ता परे ता छोड़ा आमर एक फार्मूला हो a क्यूब प्लस b क्यूब रो फार्मूला जो आगे क्लास में पढ़ चाहे दैट इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेर एति फॉर्मूला आपणकर मन रहा पड़ो या क्वेश्चन सॉल्व करवा आगु सिंपल क्वेश्चन आप मन रही है 3x 3x गोटे क्वेश्चन अच्छे पूरा एक्सरसाइज राइट सॉल्व करिया नाउ cos 3x cos 2x sin 3x जी फॉर्मूला अच्छे से पुट कर दिंतु आंसर सिंपल प्रोसीजर अच्छे हाँ एक्सरसाइज क्वेश्चन को प्लीज मुझे रिक्वेस्ट करी आपन डी पॉज देख देखंतु जदी अधंडा टाइम अछे देन ओनली देखंतु डी क्वेश्चन टिके लंबा हो राइट दी तीनटा प्रोसीजर हमकु अडॉप्ट करिया पडियो cos 3x फार्मूला कोन अछि दैट इंप्लाइज 4 cos qx - 3 cos x - cos 2x रो फार्मूला अछि ब्रैकेट रखिया cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स राइट सब फॉर्मूला में पुट कर दिला अपन चाहे ना को अलग रे लिखि पारंती देखो मैं ब्रैकेट टा खोल दिए फर्स्ट दैट इंप्लाइज 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस रहियो प्लस माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर एक्स ये एलएचएस आरएचएस स्क्वायर लेच आन द माइनस 3 sin x प्लस माइनस प्लस फोर साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो बेसिक खाली फॉर्मूला पुट कली देन मु कौन कर सब जिनस को आरएचएस रु एलएचएस को आन देछि राइट नाउ देखो दैट इंप्लाइज जति भी क्यूब टर्म अछि स्क्वायर टर्म अछि और सिंगल डिग्री टर्म अछि सब गोट जगह लिखिया थर्ड फोर्थ प्रोसीजर होछि क्यूब टर्म कौन कौन अछि 4 cos क्यू एक्स प्लस 4 साइन क्यू एक्स राइट माइनस स्क्वायर टर्म कौन अच्छी रखना मन करो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख पारे किसी प्रॉब्लम ना देन कौन अच्छी 3 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 राइट एत क्वेश्चन बुझा पड़ गया आप ना मुझे ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला यूज हम ये दुटा टर्म रे ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला मुझे यूज करके थोड़ा देख दैट इम्प्लाइज 4 कॉमन काटे कौन बढ़ कॉस क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स जिन सब बुझीगले नाउ आपको लेट कॉस एक्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड आप लिखिपर सिंपल सॉल्व भी करें साइन एक्स इज इक्वल टू बी देन ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कौन हो पार ए कौन नहीं कॉस एक्स नहीं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो राइट ये पूरा टर्म को ये पुट कर दिंतु राइट दैट इम्प्लाइज कौन है जो आगे कंटिन्यू करने ठीक अच्छे 4 इंटू ये पूरा लिखे आम ठीक अच्छे जदि ब्राकेट को आउ टे ब्रड कर दूसरी कर्ली हम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ये पूरा टर्म कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस
प्राइम स्क्वायर एक्स किसी कन्फ्यूज होबेनि सिंपल कन्सेप्ट अच्छे खाली प्लस ईयर बड़ लगी पारे आपन को राइट मैं लिभे दूसरे फर्मूला आप लिखि सारी आई होप ये फर्मूला आम यूज होगा बस तापर कौन बढ़ला ये टर्म छाड़ला पर कौन बढ़ला ये दुटारे प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री कमन माइनस थ्री कमन का कौन बढ़ला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो ना देखो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स गोटे टर्म अच्छे पूरा रे ये गोटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टर्म अच्छे ये जब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आनी दे पारि ये दुटा टर्म रु तो आम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो आम सॉल्यूशन आसपा बुझिपारे ना बुझु ये टर्म रु कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कमी बाहर कर थोड़े देख दैट इम्प्लाइज फोर इंटू सेम टर्म यहाँ रोज सेम टर्म ठीक अच्छे बारंबार लिखुनी माइनस जदि कमन काटी तो कौन बोलूँ ये भितर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कमन कले देखो मल्टीप्लाई करे सेम टर्म आस माइनस थ्री टाइम्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कहीं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स नी बिकज आम सब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टर्म अच्छे से मुझे ना आपको जदि मुझेपर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पुट करी हम देखो एक्स स्क्वायर माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर मैंने कौन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉस एक्स प्लस फर्स्ट फॉर्मूला लिखने वा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला कौन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैंने कौन हम यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कौन हम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जिन बुझे ये जगह मुझे दुटा टर्म लिखिपर डायरेक्ट ये जाए लिखि निप नेक्स्ट स्टेप कर जगह होनी ना ये स्टेपटा बुझ देखो ये फोर टाइम्स अफ जो भी टर्म्स थी मुझे सेम को सेम लिखिदी ना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को अंडर ब्रैकेट लिखली कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस थ्री टाइम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स सिंपल कॉन्सेप्ट दैट इज इक्वल टू जीरो ना ये ध्यान दिखाँ तीन टा जगह टर्म रे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन अच्छे राइट ये जिन बुझीगले ठीक अच्छे कंटिन्यू करवा दैट इम्प्लाइज मु कौन लगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कमन काटदेवि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मु कमन बाहर करदे तो कौन बढ़ला सब देखु फोर टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बढ़ला फर्स्ट टर्म रे आरे कौन बढ़ला माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स सेकेंड टर्म रे आरे कौन बढ़ला माइनस थ्री इज ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो तो माने कौन हो पार ये पूरा टर्मटा जीरो हो पार या ये पूरा टर्मटा जीरो हो पार ठीक अच्छे ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हेले ए इक्वल टू जीरो हो पारे और बी इक्वल टू जीरो हो पारे तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज करले तो ये इंपोर्टेंट कौन जिनस आमर इक्वेशन टी छोट होगा ये इक्वेशन बड़ हो जाए से एत सब जिन कराऊ तो मुझे कौन लिख पारि दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो और ये पूरा टर्म इज इक्वल टू जीरो सिंपल ये टर्म तो आम आहरी भल लेकिन सल्व करा नेक्स्ट स्लाइड रे से पूरा डिटेल लिखुनि ठीक अच्छे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज जीरो कॉन्सेप्ट आम जानचे कौन करवा टेन रे कन्वर्ट करिया ठीक अच्छे कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस साइन रे तो चेंज हो पारे माइनस साइन एक्स दैट इम्प्लाइज कॉस एक्स बाय साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन राइट दैट इम्प्लाइज टेन एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस पाई बाय फोर राइट टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा एक्स इज इक्वल टू कौन हम एन पाई माइनस पाई बाय फोर वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर या तो आम एमती भी लिखिपर आप एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय फोर तापर एन पाई माइनस पाई बाय फोर वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर ठीक है मुझे डायरेक्ट स्टेप माइनसटा लिखी दे कन्फ्यूज होनी दिस इज इक्वेशन वन आप आसीगला गोटे इक्वेशन आसीगला राइट ना आपको सल्व कर देखा कौन आसू कि आपको सल्व करने आम आज गोटे स्लाइड जी जाए लिखि ना देखो सेकेंड इक्वेशन आम कौन आसला फोर टाइम्स अफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस थ्री जीरो टू जीरो आसला
ना देख दैट इम्प्लाइज ये गोटे जिस देख कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कौन वैल्यू वन अच्छी तुम कौन लगे फोर टाइम वॉस वन माइनस कॉस एक्स इनटू साइन एक्स यहाँ आगे आगुरी भी करले ही था बट मुझे कन्फ्यूजन करके चाहू नी से मुझे ये जिनस को सल्व कर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ना फोर को मल्टीप्लाई कर दिन सबुरे आउ कि चेंज होवार अच्छे कि आउ कि ना फोर आने मल्टीप्लाई कौन हम फोर माइनस फोर इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस बाहर कर दिले कौन हम यहाँ माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ना इक्वेशन आम सॉल्व करिया प्लस फोर माइनस थ्री कौन हम प्लस वन वन माइनस फोर कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो बुझे प्लस फोर माइनस थ्री वन हो गला राइट नाउ एबे गोटे इम्पोर्टेंट जिनस मन रखुदूँ दैट इज जदि मुझे सब्जेक्ट टी लिखुँ ये जिनस मन रखा पड़ो आउ कि बाट ना आई एम सॉरी टू से बट आउ कि बाट ना गरी क्वेश्चन आसी तो आपन को ये जिनस मन ये स्टेपटा ये जो नेक्स्ट स्टेपटा आस मन रखा ही पड़ो दैट इज लेट ये जो टर्म अच्छे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मुझे बहुत ट्राए कर सर्टकट किसी खोजा को बट किसी मिललानी तो प्लीज ये क्वेश्चन टाइम मन रखे इज इक्वल टू वाई नहीं लेट ने ले। ठीक अच्छे ना गोटे इंपोर्टेंट जिन क्वेश्चन को भूली जाते आम कौन ने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू वाई ने राइट स्क्वेयरिंग बोथ साइड मुझे बहुत ट्राए कली जब आप कि नुआ मेथड अच्छे प्लीज मतलब कम्युनिकेट करूँ मत कि मिललाना स्क्वेयरिंग बोथ साइड कौन हम आमर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर राइट तो मुझे कौन लिख पारि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मुझे कहीं कर देखो मो पा फोर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स टर्म अच्छे आपको मुझे वाई ने जब ये टर्म जब मोर आसीगला तो ये पूरा वाई को पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी देन आम आंसर आसीपे दैट इज जो मुझे कौन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन राइट माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर नाउ दैट इम्प्लाइज वन वाई को एपट मत ये टर्मटा दरकार देखो ठीक अच्छे वन एपटे वाई आंदर वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स टर्म अच्छे ना साइन एक्स कॉस एक गोटे जिस कन्फ्यूजन होगा कहूँ दैट इम्प्लाइज मुझे कौन लिख पारि दैट इज आम पाखे फोर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अच्छी तो फोर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कौन हम टू मल्टीप्लाई हो टर्म सहित वन माइनस वाई स्क्वायर सहित बुझीगले तो टू फोर कॉस एक्स साइन एक्स आम आसीगला कौन टू टाइम्स वन माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कौन आसीगला आम लेट ने आम वाई ये दीरे जिस पुट कले आम इक्वेशन कौन आसो दैट इम्प्लाइज ध्यान देवे वन माइनस टू टाइम्स वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो राइट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आम सॉल्व करें दैट इम्प्लाइज देखो थे वन माइनस टू मल्टीप्लाई कले टू माइनस माइनस प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो वन माइनस टू माइनस वन दैट इज टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे जार वाई वैल्यू अच्छे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखि निपर आग को आम सॉल्व करिया ना देखो आमर वाई लेट कौन नहीं आम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आम इक्वेशन कौन आसाला टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो ना क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिया मल्टीप्लाई कले कौन माइनस टू वाई स्क्वायर आसुआ एड कले वाई आसुआ कौन हम टू वाई माइनस वाई राइट तो ये रिप्लेस करूँ इक्वेशन को रिप्लेस करूँ खाली आमको वाई सॉल्व करापुर कौन कर टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो राइट प्लस माइनस कले प्लस वाई जो दैट इम्प्लाइज ये मुझे टू वाई कमन कले कौन पड़ा वाई प्लस वन ये माइनस वन कमन कले कौन पड़ा वाई प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो दैट इम्प्लाइज वाई प्लस वन कमन कले कौन पड़ा टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो दैट इज मुझे कौन लिख पारि वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो वाई प्लस दैट इज वाई प्लस वन
इक्वल टू जीरो और 2y-1 इज इक्वल टू जीरो किसी प्रॉब्लम अच्छी नाइन दैट इम्प्लाइज वाई आमर वैल्यू कौन अच्छी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो ना ये दुटा इक्वेशन सॉल्व करिया जब किसी क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन आसुच्छे देन आम गोटे तो इक्वेशन आसी आई दुटा कौन सॉल्यूशन अच्छी थोड़े देखने दैट इम्प्लाइज यहाँ देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल कौन आसला माइनस वन आसला साइन एक्स माइनस कॉस इज इक्वल टू माइनस वन आसुच्छे नाउ मल्टीप्लाइंग ये सब आम कर सारे आगु वन बाय रूट टू बोथ साइड ये सब जिन आगु कर सारे राइट ये सब जिन कर सारे कौन हम वन बाय रूट टू इंटु साइन एक्स माइनस वन बाय रूट टू इंटु कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन राइट किसी डाउट ना दैट इम्प्लाइज कौन आस आगे कौन लिखिपर सैन कस कर लिखिपर सैन एक्स माइनस वाई लिखिपर दैट इज सैन एक्स इंटु सैन इंटु कस 45 कस 5/4 माइनस कस एक्स इंटु सैन 5/4 इज इक्वल टू माइनस वन किसी प्रॉब्लम अच्छी सॉरी सॉरी माइनस वन के मल्टीप्लाई वन बाय रूट टू कले माइनस वन बाय रूट टू हम ना ये माइनस वन बाय रूट टू राइट कन्फ्यूज है दैट इम्प्लाइज यहाँ कौन हम साइन एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू राइट तो मुझे कौन लिख पार दैट इम्प्लाइज साइन एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू कौन साइन वन बाय रूट टू 45 दैट इज माइनस 5/4 राइट माइनस वन बाय रूट टू अच्छी माइनस 5/4 हो गला दैट इम्प्लाइज यूजिंग थ्योरम थ्री आम कौन जानते साइन एक्स साइन अल्फा है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू ओवर एन अल्फा प्लस एन पाई तो ये आम एक्स कौन अच्छे एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन अल्फा कौन अच्छे माइनस 5/4 प्लस एन पाई वेर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर नाउ अगेन ये छाड़बानी के एक्स को सॉल्व करिया दैट इम्प्लाइज यहाँ को अलग अच्छे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन माइनस 5/4 प्लस एन पाई प्लस 5/4 ठीक है अपने माइनस अच्छे 5/4 सब प्लस होगा वेर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर दिस इज इक्वेशन टू आसीगला राइट एक्स आउट सॉल्यूशन आसीगला नाउ थर्ड जो इक्वेशन अच्छी टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करिया राइट ये दुटा इक्वेशन आप लिखि नि लास्ट टोटल करके लिखि ने अलग राइट लिखि नि पॉज कर ना सेकेंड इक्वेशन थिला टू इंटु साइन एक्स माइनस कॉस इज इक्वल टू वन थिला राइट नाउ अगेन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कौन आसो वन बाय टू अगेन सेम प्रोसीजर लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ वन बाय रूट टू मु कौन लिखिपर साइन एक्स इंटु वन बाय रूट टू माइनस कॉस एक्स इंटु वन बाय रूट टू इज इक्वल टू वन बाय रूट टू इंटु वन बाय टू आगे मुझे कौन लिखे टोटल वन बाय टू रूट टू दैट इज अगेन फॉर्मूला कौन आसीगला साइन एक्स इंटु कॉस 5/4 माइनस कॉस एक्स इंटु साइन 5/4 इज इक्वल टू वन बाय टू रूट टू दैट इम्प्लाइज साइन फॉर्मूला कौन एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू अभी एबे आमे करथिले तो टू रूट टू राइट नाउ ये गोटे इम्पोर्टेंट जिन मन रखु वन बाय टू रूट टू वैल्यू सब जदि आप कैलकुलेट करेंगे 0.35 थाए नाउ ये जिन सब मन रखे जदि माइनस वन या वन जो भी वैल्यूटा अच्छी जो भी वैल्यू आसी आमर माइनस वन रु वन भितर थिले ही आम एक्स वैल्यू पुट करे आउटसाइड हेले एक्स नहीं पाएंगे जो नेक्स्ट प्रोसीजर करुच्छे सब मन रखिए नेक्स्ट जो स्टेप पाई जो एक्स वैल्यू जो भी टर्म वैल्यू माइनस वन रु वन भितर ही रोथवार अच्छे राइट ना वन बाय टू रूट रो आम पा किसी फर्मूला ना वन बाय टू रूट रो साइन रो किसी आम पाखे वैल्यू ना आम कौन लिख पारे दैट इम्प्लाइज ये जिन सब मन रखु एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स वन बाय
टू रूट टू ना साइन साइन इनवर्स कटिज बढ़ला कौन वन बाय टू रूट टू साइन और साइन इनवर्स सब कटि जाए अल्टरनेट थाए वन बाय टू रूट टू वन बाय टू रूट टू आम एम लिखिपर कंडीशन हूँ ये जो भी वैल्यू आस वन बाय टू रूट टू आस जो भी वैल्यू आस माइनस वन रु वन भितर रोथार अच्छी राइट बुझे दैट इम्प्लाइज मु कौन लिखिपर यूजिंग ये कन्फ्यूजन हो पाए आपन को आ क्वेश्चन भी टी लॉन्ग अच्छी टी ध्यान दे करेंगे यूजिंग थ्योरम तुम कौन लिखिपर एक्स माइनस पाई बाय फोर इज टू मोर अल्फा कौन ये पूरा टर्म जो अच्छी ये पूरा आमर अल्फा दैट इज माइनस वन टू द पावर एन साइन इनवर्स वन बाय टू रूट टू प्लस एन पाई वेर इज एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर दैट इम्प्लाइज एक्स इज टू कौन हम माइनस वन टू द पावर एन साइन इनवर्स वन बाय टू रूट टू प्लस एन पाई प्लस माइनस प्लस फाइव बाय फोर वेर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर दिस इज इक्वेशन थ्री राइट ये क्वेश्चन किसी भूल ना आपन जब एग्जाम कौन से नोट्स सॉरी बुक्स आंसर मिसमैच हो तो हड़बड़ हो कि दरकार नहीं आम कौट प्रोसेस भूल करने मुझे तीन दु तीन टा बुक रिफर कला आपको ये सिंपल प्रोसेस कौच बट साइन साइन इनवर्स ना आप सब ये टर्मटा माइनस वन टू वन भर रही थी नपर क्वेश्चन भूल हो तो क्वेश्चन नंबर थ्री एटा हो गला क्वेश्चन नंबर वन सॉरी इक्वेशन नंबर थ्री एटा हो गला इक्वेशन वन आम कौन थी एक्स इज इक्वल टू एन पाई माइनस थी ना माइनस माइनस पाई बाय फोर वेर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर इक्वेशन टू आम कौन थी जो दिए दीटा इक्वेशन नंबर बाहर इक्वेशन टू थी आम एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन इंटू माइनस पाई बाय फोर प्लस एन पाई प्लस फाइव बाय फोर इक्वेशन थ्री आम कौन आसला एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू पावर एन साइन इनवर्स वन बाय टू रूट टू प्लस एन पाई प्लस फाइव बाय फोर दैट इम्प्लाइज इक्वेशन वन टू एंड थ्री आर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ठीक है दिस इज योर बहुत शॉर्ट छोट क्वेश्चन अच्छे राइट टी लंबा क्वेश्चन अच्छी मुझे कनसीडर कर चार्टा पांचटा स्लाइड यूज होगा नियर अबाउट आम बहुत टाइम भी यूज होगा ये बट प्रोसीजर अच्छी क्वेश्चन दिया सल्व करार अच्छे बट आ छड़ा आ कि सर्ट मेथड आसुनी जदि आउ को एजुकेटर जब सर्टकट किसी देखुं तो प्लीज ताको फॉलो करें सेमती किसी ना मत आर टू बेस्ट सल्यूसन मिललानी मत नियर अबाउट दुई दिन खंडे लगे क्वेश्चन को प्रपर सल्व करा राइट आई होप क्वेश्चन आपको कष्ट लगी बट दी तीन थर आप सेम क्वेश्चन प्राक्ट करेंगे अटोमेटिक आप फ्लोर आसीज बहुत सब कनसेप्ट नुआ नुआ कनसेप्ट यूज हो साइन ऑफ साइन इनवर्स ए ए क्यू प्लस बी क्यूरो फर्मुला आपको रिमाइंड करा पड़ी साइन साइन थ्री एक्स कॉस टू एक्स बहुत सब फर्मुला मन रखा पड़ी बट टे कम्प्लिकेटेड थी मजा भी करा मत लगे सेमती तो मुझे कनसीडर करें क्वेश्चन को दु तीन थर प्राक्ट करेंगे वेर एज मुझे आगर कहूँ जनरल सल्यूसन आपंकर सिलेबस ना फोर सी राइट 2020 सिलेबस जनरल सल्यूसन ना बट स्टिल जदि आपंकर एग्जाम आसिले यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पाए जदि कनसीडर कर फोर सी जनरल सल्यूसन को देन ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पाए राइट थैंक यू।